कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। भाद्र पक्ष महीने का प्रदोष व्रत यानी कल 24 अगस्त 2022 बुधवार को रखा जाएगा और प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से की गई हुई पूजा सारे कष्टों को, सारे संकटों को दूर कर देती है। भगवान शिव की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। शिव जी की कृपा पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का दिन बहुत ही अहम होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है और यह तिथि भगवान शिव को ही समर्पित है। इस बार भाद्र पक्ष की जो प्रदोष पड़ रही है 24 अगस्त, और इस दिन बहुत ही विशेष संयोग पड़ रहे हैं। बुधवार की त्रयोदशी के दिन शाम को 6:52 से रात 9:04 तक प्रदोष काल रहेगा और इस बार प्रदोष पद के दिन एक विशेष संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 24 अगस्त की सुबह 6:56 से चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही हैं। वहीं शिवजी भी अपनी मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, लिहाजा ऐसे में विशेष संयोग शिवजी की पूजन करने से कई गुना इसमें ज़्यादा फल प्राप्त होता है और जो भी मनोकामना से भक्त करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन प्रदोष व्रत के कुछ नियम होते हैं, शिवजी की पूजन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को यदि ध्यान में रखा जाए तो शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे शिवजी को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी जी की मंजरियाँ जो होती हैं वह प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ पर समर्पित कर सकते हैं, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवजी को आँख और धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रदोष के दिन आँख और धतूरा चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। हमेशा भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजन अवश्य करनी चाहिए। बिना पार्वती जी की पूजन किए शिव जी की पूजन का पूरा फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता। पूजा के दौरान शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद आदि से उनका अभिषेक करना चाहिए और इस दौरान लगातार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहें तो एक अपने अंदर एक धीरजता, एक शक्ति का अनुभव होता है। प्रदोष के दिन कुछ मूंग, खड़ा मूंग के दाने, 4-5 मूंग के दाने ले जाएं, जितने आप, ऐसा कोई गिनती भी जरूरी नहीं है, आप थोड़े से मूंग के दाने और एक चावल का दाना, एक शमी पत्र, कल बुधवार की प्रदोष पड़ रही है इसलिए आप गणेश जी को आप एक शमी पत्र चढ़ाएं और भोलेनाथ को एक शमी पत्र चढ़ाएं, थोड़े से मूंग, एक चावल का दाना ये समर्पित करें और शाम की समय घी का दीपक उनके समक्ष प्रदोष काल में आप लगाएं और उसके बाद अपने मन की मनोकामना कहते हुए मणिभद्र जी से, जो उनके द्वारपाल हैं, उनसे विनती करते हुए नंदी बाबा के कान में अवश्य कहना चाहिए। और नंदी बाबा के कान में जब आप अपनी बात कहते हैं, सबसे पहले ओम की ध्वनि करें, उसके बाद सुयशा का नाम लें। सुयशा नंदी बाबा की पत्नी का नाम होता है और जब आप सुयशा नाम लेकर अपना कोई भी कार्य नंदी के कानों में कहते हैं, वह कार्य आपका पूरा होता ही होता है। कहते हैं कि जो नंदी बाबा से अपने मन की मनोकामना बोल देता है, भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र उस मनोकामना को पूरा करते हैं। कल का प्रदोष व्रत एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रदोष है। आप यदि व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं करते हैं तो पूजन प्रदोष काल में अवश्य करें। घी का दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें। विश्वास के साथ भोलेनाथ पर यदि आप ये सामग्री समर्पित करते हैं, विनती करते हैं, आपकी विनती अवश्य भोलेनाथ सुनेंगे और पूरी करेंगे। आपकी मनोकामनाओं को, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं रहेगी जो आपने भोलेनाथ के समक्ष बोली और वह पूरी नहीं हुई। कर देखें, विश्वास बनाए रखें आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।